पाकिस्तान की बदहाली का असर अब वहां की जनता और बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि वहां के लोग वाघा बॉर्डर छोड़कर भाग गए हैं। पाकिस्तान के लोग अब वाघा बॉर्डर पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाने नहीं आ रहे। पाकिस्तान की सरकार को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन भारत अभी भी दहाड़ रहा है और पूरी ताकत से दहाड़ रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अपने जवानों को वाघा बॉर्डर पर छोड़कर क्यों भाग गया। आपको बता दें कि वाघा अटारी बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच एक अहम स्थान है। वाघा अटारी बॉर्डर नियमित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाता है। यहाँ रोजाना एक समारोह आयोजित होता है जिसका नाम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखने के लिए देश और विदेश से रोजाना हजारों लोग आते हैं। इस सेरेमनी में पाकिस्तान की तरफ से रेंजर्स और भारत की तरफ से बीएसएफ के जवान हिस्सा लेते हैं। बीटिंग रिट्रीट में भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से ही होड़ लगती है कि कौन ज्यादा जोर से नारे लगाएगा। भारत की तरफ बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान पूरा माहौल भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ अब सिर्फ खामोशी है। पाकिस्तान की कंगाली का असर अब वाघा बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी लोग अब वाघा बॉर्डर नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रेंजर्स के हौसले टूटने लगे हैं। पाकिस्तान के लोग इस वक्त बढ़ती महंगाई और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में इन लोगों की प्राथमिकता रोटी और दाल ढूंढने में है, न कि पाकिस्तानी सेना के समर्थन में पैसे खर्च करके वाघा बॉर्डर पर आकर बैठने में। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के जवानों को देखने के लिए अभी भी हजारों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी गायब हो गए हैं। पाकिस्तान के बनाए स्टेडियम में 10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, लेकिन अब वहां सिर्फ 1500 से 2000 लोग ही पहुंच रहे हैं। भारतीय दर्शकों के प्रचंड शोर के सामने अब पाकिस्तानी दर्शकों की आवाज दब रही है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत की तरफ बने स्टेडियम में 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। भारत की तरफ बना स्टेडियम अभी भी खचाखच भरा है, लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम में सिर्फ सन्नाटा है। अब तो पाकिस्तानी दर्शकों का भी मानना है कि खाली स्टेडियम की वजह से उनके उत्साह में कमी आ रही है।